मैं मोहम्मद जमा खां, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। अभी खबर मिली है हमारे बड़े भाई तनवीर हसन साहब, जो हमारी पार्टी के जदयू के MLC थे, एक्सपायर की डेथ कर गए, हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे बहुत अफसोस है। मैं अपने बड़े भाई तनवीर साहब को खराज अकीदत पेश करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मेरे बड़े भाई तनवीर साहब को जन्नत नसीब हो, उनकी कब्र में करवट करवट जन्नत नसीब हो। आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के एक मजबूत पिलर थे, एक वर्कर थे, एक उम्मीद थी इनसे, लेकिन आज अल्लाह ताला के प्यारे हो गए। इसी के साथ मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हमारे बड़े भाई तनवीर साहब के परिवार के तमाम लोगों को बर्दाश्त करने की एक मजबूती, एक ताकत दें ताकि वो बर्दाश्त करें। और मैं उनके परिवार से भी कहना चाहता हूँ, मैं एक जदयू का पार्टी का एक सिपाही हूँ, मेरी जहाँ एक ज़रूरत होगी मैं आप सबके मैं खड़ा रहूँगा। और इसी के साथ तमाम मैं बिहार के भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, आज ये हालात देख रहे हैं आप लोग, देश की हालात बड़े भयावह स्थिति है, संकट में मेरा देश चल रहा है, मेरा संकट में देश ये मेरा बिहार चल रहा है। मैं आप बीच में कहना चाहता हूँ, इस संकट के दौर में आपको घर में रहना होगा। इस कोरोना से जो भयावह स्थिति बनी हुई है, इससे बचने के लिए हमें घर में रहना होगा। बाहर बेवजह बेकाम न निकलें, घर के अंदर रहें। घर के अंदर रहेंगे, बेवजह बाहर नहीं निकलेंगे, तो निश्चित तौर पर इस कोरोना पे हावी हो जाएंगे, काबू पा लेंगे। अगर किसी को बाहर निकलना भी है बिना मास्क का, बिना काम को बाहर न निकले, मैं हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश करता हूँ। इसी के साथ पुनः एक बार अपने तनवीर भाई के लिए दुआ करता हूँ, उनको कब्र में करवट करवट जन्नत नसीब हो, उनके परिवार को खुदा एक मजबूती बर्दाश्त करने की मजबूती दे। इसी के साथ तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, इस कोरोना के बचाव के लिए अपने आप को बचें, घर में सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, जय नीतीश कुमार।